من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام زیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چودواں سپارہ سپارے دا رکوع انیسواں سورت دا نام سورہ نحل سورت دا رکوع تیرواں انسان نو اللہ نے تخلیق فرمایا بنیاد سیدنا جناب آدم علیہ الصلات والسلام دی ذات پاک نو بنایا خلق تو بیدیہ دا شہکار بنایا اور پھر آدم علیہ السلام نو جنت دا داخلہ نصیب فرمایا پھر اس ایک ذات اور ایک ہستی تو اللہ نے ماں جی حوا نو پیدا فرمایا اور اتھوں پھر اللہ نے انسانیت دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا جو آج تک چل رہے ہیں قیامت تک چلتا رہے گا یعنی انسان دی پیدائش واسطے دو عناصر خامد اور بیوی عورت اور مرد
दो दा होना जरूरी है, इल्ला के अल्लाह अल-ज़ुल जलाल अपनी कुदरत कामिला दा करिश्मा दिखाए। उदे अगे ते मुश्किल है ही कुछ नहीं, वो चाहे बगैर बाप ते बगैर माँ दे आदम अलैहि सलाम नू बना दे, और रब चाहे ते बगैर बाप दे जनाबे ईसा अलैहि सलाम नू पैदा फरमा दे। उस मालिक दा निज़ाम है, उदी कुदरत दे मनाजर और कुदरत दे करिश्मे ने। तो दो औरत और मर्द नू अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का जरिया बनाया। हम जाहिर बात है कि जिस तरह माशरे के अंदर मर्द का मकाम और मनसब है, अल्लाह ने इस्लाम ने खसूसन औरत ते जुलम नहीं किया, ज्यादती नहीं फरमाई। जिमें मर्द को हक दिता है उवें ही बावकार जिंदगी गुजारन का औरत को भी हक दिता है। इस्लाम इतना अजीम मजहब और दीन है। तो मैं आज दे इस अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर जिस हवाले नाल गुफ्तगू करना चाहना, आइडियल खातून, आज दी मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा आइडियल खातून। असी फी जमाना या फी माशरा साडियां बीबियां भैणा बेटियां मगरबी तहजीब तो मुतासर होके किसी बड़ी फिल्मी एक्ट्रेस नो जनाब अपना आइडियल महसूस कर दिया ने बना दिया ने। आओ मैं आइडियल खातून दा तज़किरा करना चाहना। अल्लाह ज़ुल जलाल दे कुरान दे अल्फाज ते पहले गौर फरमा लो, और आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़बान दे निकले अल्फाज ते भी जरा अपने दिलो दिमाग नो मुतवज्जे फरमाना। कुरान पाक दे अंदर मर्दा ते औरता नो अल्लाह जुल जलाल ने जो शरफ ते हक अता फरमाया, कुरान ने ओदा तज़किरा कीता। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान फरमा दियो मन आमेला सालेहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा वाहो वा मोमिनुन। तख्सीस अल्लाह ने फरमा दी है, मन आमेला सालेहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा, कोई भी नेक अमल करे मर्द होए या औरत होए, अल्लाह जुल जलाल किसे दा हक नहीं रख दे, रब किसे ते ज़ियाती नहीं कर दे। लेकिन रब्बुल आलमीन ने नाल ओदे शर्त लगा दी है। शर्त की है? अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाहो वा मोमिनुन, शर्त एवे के ओनु ईमानदार होना चाहिए। ओ भावे औरत होए ते भावे मर्द होए, ईमान जरूरी है। पहला स्टेप, पहली सीढ़ी और बुनियाद जेड़ी है ओ है ईमान। ओ ईमान ना होए ते भावे मर्द होए, अल्लाह दे दरबार चोदे अमाल दी कोई वैल्यू ते हैसियत नहीं। ओ बड़े तो बड़ा ए जनाब अल्लाह जुल जलाल दा कुरब हासिल करने वास्ते अपने आप नो बढ़िया बढ़िया इबादत दे अंदर मशगूल कर लै। माड़िया दी, गरीबां दी, मिस्कीना दी, बेवगान दी, यतीमा दी खिदमत करदा जाए, तावन करदा जाए। लेकिन अगर ईमान नहीं ते ए सारे अमाल दा रब दे दरबार च कोई फायदा नहीं। कोई खातून होए औरत होए जैसा भी ओदा अंदाज है, नेक भी है, मुत्तकी अपने आप नू समझ दी है, परहेजगार भी समझ दी है, लेकिन ईमान नहीं,
अल्लाह दी जात ते ओदे रसूलां ते ओदे किताबां ते ओदे फरिश्तियां ते जब तक ईमान कामिल नहीं होएगा अल्लाह दे दरबार च तमाम अमाल दा एक राई दे दाने बराबर भी फायदा नहीं होएगा। इस वास्ते अल्लाह ने कैद लगा दी है, शर्त लगा दी है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मन आमेला सालह मिन जाकर औ उनसा, शर्त की है वाहो वाह मोमिनुन ओनु ईमानदार होना चाहिदा है। जे अल्लाह ने ईमान दी दौलत अता फरमा दी है ते अल्लाह दा कुरान आंदा फाला नुहये यन्नहु हयातन तय्यबा, सुभान अल्लाह, फाला नुहये यन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया असी उन्होंने दुनिया की जिंदगी भी पाकीज़ा अता फरमा देंगे। ते नंबर दो अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला नज़ज़ेयन्नहुम अजरहुम बे अहसन मा कानू यअमलू, दुनिया भी चंगी अंजाम भी चंगा, यानी अल्लाह ने औरतों का भी ते मर्दों का भी दोवां दा तज़किरा फरमाया। बल्कि कुरान दे एक और मकाम ते ना मैं कुर्बान जावां एक दिन मेरी ते तुहाडी अम्मा जान, बल्कि कयामत तक दे आन वाले तमाम मोमिन मुसलमान उन्हां दी अम्मा जान हजरत माँ जी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अली सलाम दी जाए मुहतरमा ते आमिना दे लार अली सलाम नू आके अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं औरतां दी नुमाइंदा बन के आई हां। हुजूर बीबियां आंदियां ने औरतां आंदियां ने के कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ने मर्दां दा कई मरतबा बल्कि बार बार तज़किरा फरमाया, कई बार अल्लाह जुल जलाल ने जिक्र फरमाया। जिस अंदाज नाल मर्दां दा जिक्र है उस अंदाज नाल औरतां दा किते जिक्र नहीं। ते अम्मा दी उम्मे सलमा फरमांदियां ने अगले ही दिन मैं इंज दरवाजे दे करीब खड़ी सां, अल्लाह दे पाक पैगंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे सन ते नबी अलैहि सलाम दी ज़बानों मैं कुरान दे ऐ अल्फाज ते ऐ आयतां सुनियां। आमिना दे लाल अलैहि सलाम पढ़दे ने पे इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मर्दां दा ते औरतां दा बराबर बराबर दा अल्लाह ने जिक्र फरमा दिता है। फरमाया इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानतीना वल कानतात वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल्खाशेईना वल्खाशेआत वल्मुतसद्दिकीना वल्मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमात वल्हाफिज़ीना फुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरान अअद्दल्लाहु लहुम अअद्दल्लाहु लहुम अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिन्निया सिफ़तां
औरतों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया ना बराबर विच औरतों नू भी शामिल रखिया। मुसलमान मर्द मुसलमान औरतां मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां अल्लाह दे फरमा बरदार मर्द ते फरमा बरदार औरतां सच बोलन वाले मर्द ते सच बोलन वालियां औरतां सबर करन वाले मर्द ते सबर करन वालियां औरतां अल्लाह कोलो डरन वाले मर्द अल्लाह कोलो डरन वालियां औरतां सदका करन वाले मर्द ते सदका करन वालियां औरतां। और अगे एक सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई है सुभान अल्लाह बतौरे खास एक सिफत का तज़किरा फरमाया वस्साइमीना वस्साइमात वस्साइमीना वस्साइमात रोजा रखन वाले मर्द ते रोजा रखन वालियां औरतां बराबर दा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। इहदा मतलब है मर्दां ते भी रोजे फर्ज ने ते औरतां ते भी रोजे फर्ज ने। वस्साइमीना वस्साइमात रोजा रखन वाले मर्द रोजा रखन वालियां औरतां वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले मर्द ते अपनी इज्जत की हिफाजत करने वालियां औरतां यानी अल्लाह ने बराबर दा जिक्र खैर फरमा दिता। मैं कुर्बान जावा हुण तखलीक जो अल्लाह ने इंसान की बनाई फिर जोड़े जोड़े अल्लाह ने बना दिते ने। मैं अल्लाह दे कुरान दियां आयात तो सदके जावा अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बना दिता हुण जोड़ा जोड़न वास्ते मैं कहा करना के बहुत सारे रिश्ते ऐसे ने कि जेड़े इंसान दे इख्तियार विच नहीं भैना भरा इंसान अपनी मर्जी नाल नहीं बना सकता एक कुदरत ने रिश्ते बनाए ने। माँ बाप औलाद ते औलाद माँ बाप अपनी मर्जी नाल उन्हां दा इंतखाब नहीं कर सकते एक कुदरत दा निजाम है। वरना कोई माड़िया घर पैदा होने लई तैयार होएगा और कोई गरीबा घर है जिन्होंने खाने रोटी ना लभदी होए दो टाइम का खाना ना लभदा होए कोई ऐसा बंदा है जिहड़ा उन्हां घर पैदा होने वास्ते तैयार होए और इहदे विच तेरा मेरा इख्तियार नहीं मेरे मालिक का इख्तियार है। माड़िया घर पैदा कर दे सखियां घर पैदा कर दे शूमा घर पैदा कर दे हाँ जनाब काफरा घर पैदा कर दे मवाहिदा घर पैदा कर दे ये रब्बुल आलमीन का निजाम है। अपनी मर्जी नाल बंदा मां बाप का इंतखाब नहीं कर सकता ते अपनी मर्जी नाल मां बाप औलाद का इंतखाब नहीं कर सकता। वरना क्या कोई ऐसा मां बाप है वे जेड़ा ये चाहे कि मेरे घर ना फरमान बेटा पैदा होवे। कोई मां बाप नहीं चाहता मेरे घर मेरा दुश्मन मुखालिफ मेरा बेटा पैदा होवे कोई नहीं चाहता। ये ओ रिश्ते ने जेड़े बंदा अपनी मर्जी नाल बना नहीं सकता अपनी मर्जी नाल तोड़ नहीं सकता। एक रिश्ते दी इस्लाम ने इजाजत दी है और रिश्ता खावन ते बीवी दा रिश्ता इस रिश्ते नूं तुसी अपनी मर्जी नाल बना सकते हो। अच्छी खातून दा अपने बतौरे बीवी इंतखाब कर सकते हो और नेक बीवी अल्लाह हर एक नूं नसीब फरमाए नेक बीवी किस्मत वाले। और ये मैं नहीं कह रहा आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने गिरामी है अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता इद्दुनिया अल मरअतु सालिहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ दुनिया सारे दा सारा समान है माल दौलत इज्जत कारोबार रिश्ते नाते। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने खैरु मता इद्दुनिया अल मरअतु सालिहा। आप फरमांदे ने दुनिया सारे
सारी दी सारी समान ते इस सारे समान विचों बेहतरीन समान होवे जिन्हों अल्लाह नेक बीवी अता फरमा देवे। एटा वड्डा रब दा फजल ते करम जे अल्लाह अल्लाह हुण प्यारे पैगंबर अली सलाम दा एक और फरमाने गिरामी भी नोट कर दे जाया। वैसे हर बंदा ही कोशिश करदा कि मैं अपने वास्ते बतौरे बीवी अच्छी औरत दा इंतखाब करां। हर मां बाप दी कोशिश हुंदी है असीं अपनी बीवी अपनी बेटी वास्ते बतौरे शौहर अच्छे मर्द दा इंतखाब करिए। ते जगां दे पीर अली सलातो व सलाम दा फरमान गिरामी आपने औरत वास्ते चार चीजां बयान फरमाया। सुभान अल्लाह अल मरातो इजा सल्लत खमसा व सामत शहरा व हाफिजत फरजा व ताअत बाला। मेरी ओ माओ बेटियो भैनो चार चीजा तुसी भी पल्ले बन के ले जाओ है बड़ा सौखा तरीका अल्लाह दे जन्नत वे जान वास्ते। आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने अल मरातो इजा सल्लत खमसा जेड़ी औरत चार कम कर दिए किन्ने चार काम कर दिए केड़े इजा सल्लत खमसा एक दिन वेच पांच नमाजा पढ़ दिए। नफलां दी गल ही नहीं कीती नबी ने फर्जां दी गल कीती है। इजा सल्लत खमसा जेड़ी औरत एक दिन वेच पांच नमाजा पढ़ दिए ते नंबर दो वसामत शहरा नफली रोजियां दी गल नहीं। आका फरमांदे ने साल बाद रमजान दे रोजे रख दिए वह हाफिजत फरजा ते अपनी इज्जत दी हिफाजत कर दिए अपने खामन दी मौजूदगी ते अदम मौजूदगी दे अंदर अपने खामन दी इज्जत दा ख्याल रख दिए ओदी इज्जत दी हिफाजत कर दिए वता अतबाला ते अपने खामन दी फरमा बरदारी कर दिए। ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी हुन ए इरशाद फरमाओ ना जेड़ी औरत ऐ चार कम करेगी लब्बेगा गी। मेरे आका फरमांदे ने जन्नत दे अठा दरवाजियां चो अल्लाह फरमानगे जिथों जी करदा ही लंघ जा। जन्नत दे अठा दरवाजियां चो जिथों जी करदा ही गुजर जा। हुण निकाह वास्ते फिर चार चीजा दा नबी अली सलाम ने तज़किरा फरमाया। आप फरमांदे ने कुछ लोग निकाह करदे ने माल दी बुनियाद दौलतमंद होने चाहिए ने पैसा होना चाहिए बस होर कोई अखलाक भावे चंगा ना होए उंज भावे पल्ले शाह कोई ना होए ते बस दी दुनिया दी दौलत होनी चाहिए दीन आन जान वाली शाह वे। आप फरमांदे ने लोग निकाह करदे ने चार वजह तो माल दी वजह तो कुछ लोग निकाह करदे ने हुस्नो जमाल दी वजह तो कोई लोग निकाह करदे ने आला हसब नसब दी वजह तो ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने निकाह करना ते दीनदारी दी बुनियाद ते करया करो। निकाह करना ते दीनदारी दी बुनियाद ते करया। हुण ए पहलियां जिहड़ियां तीन चीजां ने जरा गौर करो। हां माल दी वजह तो बंदा निकाह करदा ते केड़ी गरंटी है सदा इना सरमायादार ही रहना। वो गारंटी है और केड़ी गारंटी है कि इना सदा ही मालदार रहना इना सदा ही सरमायादार रहना। ये दौलत माल
ਢਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਮੰਡ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਨੰਬਰ 2, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੁਸਨ ਵੀ ਢਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਇਆ, ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁਸਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਂਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਸਨ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਅੱਲਾ 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 ਹਸਬ ਨਸ ਕਿ ਫਲਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਬੀਲਾ। ਓਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਦੀਨਦਾਰੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਇਲਮ ਹੋਏ, ਕੁਰਾਨ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਓਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਸੰਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਸਲਾਂ ਸੰਵਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਆਈਡੀਅਲ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆਤਨ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਖਾਤੂਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਮੈਸਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਸ ਨੇ ਰੁਮੈਸਾ ਕਿਹਾ। ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਮਦ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨ। ਅਨਸ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੋਤਲੀ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਅਨਸ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਪੜ ਬੇਟਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਬੇਟੀਓ ਭੈਣੋ, ਆ ਜੇ ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੰਮੀ ਪੱਪਾ ਡੈਡੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਨਸ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ। ਖਾਮਦ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਨੂੰ
जनाब अबू तलहा अजय मुसलमान नहीं सुनो है, हजरत अबू तलहा ने पैगाम निकाह भेजा ते लालच दिता, सोना चांदी बड़ा सरमायादार आदमी सी ते लालच दिता, इन्ना सोना इन्नी चांदी इन्ना हक मैर मैं तैनु देंगा ते मेरे नाल निकाह कर लै। ते सैयदा उम्मे सुलैम फरमांदिया ने अबू तलहा तैनू पता है मैं मुस्तफा दा कलमा पढ़ चुकी हूं, तू ते मुशरक है मुसलमान नहीं, ते मैं आमिना दे लाली सलाम दा कलमा पढ़ चुकी हूं, मेरा तेरा निकाह ते हो ही नहीं सकदा, मैं किवें तेरे निकाह विच आ सकनी हूं। इन्ने कुछ अरसा बाद दोबारा ज्यादा और ज्यादा लालच दे के बीबी उम्मे सुलैम तक पैगाम निकाह भेजा, फरमाया अबू तलहा गल सुन लै, एक गल नोट कर लै, मैं आमिना दे लाल दा कलमा पढ़िया होया, एक शर्त है मेरी, अगर तू मुसलमान हो जाए, तू ते सोने ते चांदी ते माल ते दौलत दियां गल्लां करना ना, मैं वादा करनी आ अगर तू मुसलमान हो जाए ते मैं तेरे इस्लाम नो अपना हक मैर बना लवूंगी, अगर तू मुसलमान हो जाए मैं तेरे इस्लाम नो अपना हक मैर बना लवांगी। हुण मर्जियां रब दियां वक्त मुकर्रर है, ओदे तो पहला बंदा अपनी मर्जी नाल कोई कदम नहीं उठा सकता, मर्जियां मेरे मौला दिया, अबू तलहा नू अल्लाह ने इस्लाम दी दौलत अता फरमा दीती है, मुसलमान हो गया, हुण फिर पैगाम निकाह भेजिया, ते हजरत मां दी उम्मे सुलैम प्यारे अबू तलहा दे नाल इस शर्त के उन्हां दे इस्लाम नू अपना हक मैर बना के उन्हां नाल निकाह फरमा लेंदिया ने, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह जिथे तेरी बंदी लेटी है इन्हां ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमा ले। असल वजह यह सी कि उम्मे सुलैम नबी अली सलाम दी खाला मुहतरमा भी लग दिया सर, रिश्ते च हजूर अली सलाम दी खाला लग दिया सर, और उम्मे सुलैम दी किस्मत दे के आ कहने, उम्मे सुलैम दे मुकद्दर दे के आ कहने, दोपहर दी गर्मी अंदर मेरे पाक नबी एदे घर जाके आराम फरमाया कर दे सन। नबी अली सलाम दी आदत मुबारक है जेड़ी साड़ी आदत है ना कि घरों निकले, हाला नबी अली सलाम ने फरमाया कोशिश करो ज्यादा घर रहा करो, बाहर बगैर उजर तो बगैर मजबूरी तो बाहर नहीं जाना चाहिदा, निकलना चाहिदा, असी ते आज कहन दे ना बाहर ना निकलो, हर वेले अपने घर रहो अंदर रहो बगैर जरूरत दे बाहर ना निकलो, ए जनाब बड़ा खदशा है वायरस फैल गया और कोरोना आ जाएगा, ए हो जाए, ओए असी ते आज ये लोगों नु पाबंद करने आ पै, आमिना दे लाल ने 1400 साल पहला अपने मनन वाले नु पाबंद फरमा दिता, जड़िया गल्ला आज साइंसदाना नू ते बड़े बड़े डाक्टर नू समझ आ रही ने, आमिना दे दुर्रे यतीम ने 1400 साल पहले ही समझा दितिया ने, आ फरमा दे ने बेजा बगैर मकसद दे घरों ना बाहर निकलिया करो, ओदे डेरे ते जा बैठा, ओदी दुकान ते जा बैठा, ओदे जनाब वेड़े जा बैठा, ते ज्यों दुनिया जहान दियां गप्पां ओदा गिला ओदा शिकवा ओदी शिकायत ओदियां चुगलियां, नबी अली सलाम ने फरमाया घर रहो ते अपने गुनाहां ते नादम होके ते रब नू मनाया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी आप दी आदत ही नहीं सी एवें किसे दे घर जाना बगैर जरूरत दे, हजूर अली सलातो वसलाम निकलदे नहीं, और ए शरफ एजाज मिले ते उम्मे सुलैम नू रिश्ता भी सी खाला लगती सी, हजूर अली सलाम या अपनिया बीवियां दे घर जांदे ते या उम्मे सुलैम दे घर जांदे,
या अपनिया बीवियां दे घर तशरीफ ले जांदे या उम्मे सुलैम दे घर आका दोपहर नूं तशरीफ ले जांदे। कैलूला फरमांदे और उम्मे सुलैम भी ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते एक चमड़े दा बिस्तर बनाया। आका तशरीफ ले जांदे ते उम्मे सुलैम वो चमड़े दा बिस्तर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं बिछा दिया कर दिया। आप ते आराम फरमांदे ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम आप दे जिस्म मुबारक दे पसीने दे कतरे मोती बन बन के बिखर रहे ने। कुर्बान जावा उम्मे सुलैम तेरे मुकद्दर तो महबूब दे जस्ते अनवरो अतहरो आला तो पसीने दे कतरे मोती बन बन के बिखर देने वै ते उम्मे सुलैम नू पता नहीं की सुझी एंज छोटी जी शीशी या बर्तन लाके मेरे आका अली सलाम दे कोल बह जांदी है। आप आराम फरमा रहे ने आप महवे इस तराहत ने ते चमड़े तो ना ओ पसीना जेड़ा हुजूर दा आउंदा ओनू एंज उंगली नाल इस बर्तन विच जमा कर दिए पई ते अल्लाह दे पाक नबी दी अख खुली जाग आए हुजूर ने वेख्या ते मुस्कराव आपने वेख्या ते मुस्कराव। आप फरमा देने ए उम्मे सुलैम ए की करन दई है। अर्ज कर दिया ने सोनियो तुहाडा पसीना मैं जमा करनिया पे लोग खुशबुआं इस्तेमाल करनगे ते असी बतौरे खुशबू तुहाडा पसीना इस्तेमाल करांगे। हुजूर लोकी खुशबुआं इस्तेमाल करनगे असी बतौरे खुशबू तुहाडा पसीना इस्तेमाल करांगे। हजरत पाक पैगंबर अली सलाम दे गुलाम ने अखां तो नबीना सहाबी है ते हुजूर अली सलाम तो वसलाम ना प्यार बड़ा मुहब्बत बड़ी है। ते साथिया ने पूछा उन्हें आखे यार गल सुन हुजूर अली सलाम जिथे भी हो लभ लैना तलाश कर लैना गौर की है तरीका की है। कह लगा होना की है मैनू दिसदा ते है नहीं ते मैं टुर पैना वा जिधरों जिधरों खुशबुआ आउंदिया ने मैं उधर उधर टुरदा जाना ते मुस्तफा लभ जांदे ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़े पाक ते करोड़ों रहमत नाजल फरमान। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम इस घर नाल इन्नी मुहब्बत इन्ना प्यार अबू तलहा नाल निकाह तो बाद अल्लाह ने एक बेटा ता फरमाया एदा नाम है उमैर ते छोटा जा बच्चा सी तुहानू पता है ना डेढ़ दो साल का बच्चा वो प्यारा भी लगता है गल्लां भी मिठिया मिठिया प्यारियां प्यारियां तोतली तोतली जबान ना गल्लां करता है। ये बच्चा बड़ा खूबसूरत ते इन्हें ना घर च जिवें बच्चों की आदत एक चिड़ी रखी सी पाली सी ते चिड़ी मर गई हुजूर अली सलाम तशरीफ ले आए सुभान अल्लाह वेख्या बच्चा बड़ा अफसुरदा जो है गमगीन जो है ते नबी अली सलाम तो वसलाम फरमाते ने या उमैर मा फअल नुगैर या उमैर मा फअल नुगैर उमैर सुना तेरी चिड़ी दा की बनया है। वाह सुनिया बच्चिया ना इन्नी शफकत बच्चिया ना इन्ना प्यार बच्चिया ना इन्नी मुहब्बत। आप फरमांदे ने सुना ओए उमैर तेरी चिड़ी दा की हुजूर ते फौत हो गई है बच्चा परेशान है हुण मर्जियां मेरे मौला दियां ए कोई बच्चा शिद्दत बीमारी दी आ गई ते अबू तलहा आप सफर ते रवाना होए ने।
बच्चे दी तबीयत सख्त खराब है ते बेचैन सावां औखियां औखियां लैंदा पिया। हुण अल्लाह जुल जलाल दियां मर्जियां, बच्चा अपने बाप दी गैर मौजूदगी अंदर फौत हो जांदा है ते उम्मे सुलैम नूं अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दा ऐ फरमाने गिरामी भी याद है। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अस्साबरो इंदा सदमतिल उला, बंदे नूं दुख आए परेशानी आए कोई गम आए ते हुजूर फरमांदे ने बंदा सबर करे। अल्लाह फरमांदे ने मेरे कोल सबर दे बदले सिवाए जन्नत दे होर शै कोई नहीं। सबरो इंदा सदमा तिल उला, ते सबर हुंदा भी होई है। आज चोट लगी है, आज गम आया, आज दुख आया, ते बंदा फौरन अल्लाह दी रजा ते राजी हो जाए, अल्लाह दी रजा ते खुश हो जाए। और रो तो के ते बंदा सबर कर ही लैंदा, रो तो के ते बिलाखर चुप हो ही जांदा। सबर एवे सबरो इंदा सदमतिल उला, ए नबी पाक दा फरमान। उम्मे सुलैम दे सामने में बेटा फौत हो गया, ओनू घर दी एक नुकरे कमरे दी एक नुकरे जाके ओदे ते कपड़ा पा दिता ते मर्जियां रब दियां। रात किसे पिछले पहरे सफर तो खामद वापस आया, आउंदिया सवाल कीता परेशानी ते हुंदी के बच्चा बड़ा बीमार से। उम्मे सुलैम सुना बच्चे दा की बने आए ते फरमांदिया ने अगे नालों सुकून विच, मां है ना अगे नालों सुकून विच। और सोने इन्हां दियां नजरां अल्लाह दे जन्नत ने। जिंदगी ते औखी सौखी गुजर जाएगी, अल्लाह जुल जलाल जन्नत दा रस्ता आसान फरमा देवे। आंदियां ने बच्चा अगे नालों सुकून विच। हुण सोचिया भी हो सकदा है पहले ना तबीयत ओदी बेहतर होए, अगे सावा उखड़िया उखड़िया सन ते हुण हो सकदा दी तबीयत बेहतर हो गई होए। इस हालत विच मियां बीवी ने रात गुजारी है, फजर दा टाइम होया, खामद मस्जिद दी तरफ जान लगा ते बीवी ने ना बाजुआ फड़ लिया। कहन लगी सरताज एक मसला ते मैनू दस दे जाओ। हाँ दस की आंदी है। कहन लगी ए दसो अगर कोई किसे कोल अमानत रखे ते फिर अपनी अमानत दी वापसी दा सवाल करे, ए दसो दी अमानत वापस करनी चाहिए के नहीं। कह लगे कबलीए तैनू अज तक इस मसले दा ही पता नहीं, ओ जिन्ने अमानत तुहाडे कोल रखी है जदों मंगे ओदी अमानत ओनू वापस लौटा देनी चाहिए। वाओ में सुलैम अल्लाह तेरे ते रहम फरमाए। एडा वड्डा हौसला मैं ते कहा करना वा, मां ते पुत्तर दा बुखार बर्दाश्त नहीं कर सकदी, मां ते पुत्तर दियां औखियां सावां बर्दाश्त नहीं कर सकदी। यार इस मां दा कितना बड़ा हौसला, अपने खावंद दी आराम दा ख्याल कर दिया, अपने बेटे दी वफात नूं भी छुपा लिया। फरमान दिया ने अल्लाह वालिया ओ साडा बेटा जेड़ा अल्लाह ने सानू बतौरे अमानत दिता सी, अल्लाह ने हुण अपनी अमानत वापस लुटा ली है। बेटा फौत हो गया। अबू तलहा परेशानियां घेर लेंदियां ने। उम्मे सुलैम माड़ा कीता है, मैनू खबर देनी चाहीदी सी। हुण अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाजिर हुंदे ने, ये सारा किस्सा जाके बयान कीता ते आमिना दिला अलैहिस्सलाम ने इन्ना वास्ते बरकत दी दुआ फरमा दीती है। हुजूर ने बरकत दी दुआ फरमा, रावी आंदा मैं वेखिया अल्लाह ने इन्हां नूं नौ पुत्तर दिते ने, नौ दे नौ कुरान दे हाफिज बन जांदे ने।
सबर का नतीजा ते नबी दी दुआ का नतीजा। यार कितनी अजीम खातून उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी खिदमत दा शरफ मिलिया, अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत दा इजाज मिलिया। एक दिन हजरत बीबी उम्मे सुलैम अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम वास्ते रावी आंदा है, बल्कि खुद हजरत अनस अपनी वालदा तो बयान करते हैं, और अनस ओ खुश नसीब है कि जिन्हें 10 साल मुस्तफा की खिदमत की है। किन्ने साल? 10 साल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत। और उस मां का बेटा, उस मां का बेटा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं जदों जन्नत की सैर कर रहा सा ते मैनू किसी दे कदमां दी आहट सुनाई दी। मैं पूछा ये कौन है जिदे कदम? एक ते रिवायत ना हजरत बिलाल वाली, जिब्रील ने दसिया सोने ये तुहाडा खादम बिलाल जन्नतां विच नहीं बल्कि जमीन ते फिरदा, ओदियां जुतियां दा खड़ाक रब दियां जन्नतां विच आ रहा। और इत्थे अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने मैं जन्नत दी सैर कर रहा हां। दुआ करो हां अल्लाह सानू सारिया नू जन्नती बना, आमीन ते कह दियो। रमजान उल मुबारक दियां पुर बहार रातां, पुर बहार दिन, अल्लाह असी बड़े ही गुनागार हाँ, खताकार ते सियाकार हाँ। अल्लाह तैनू तेरी रहीमी ते करीमी दा वास्ता ही सानू जन्नत विच इकट्ठिया फरमा दे। अल्लाह अपने नबी दे हौज़े कौसर ते इकट्ठिया फरमा दे। और मंजर पता कितना प्यारा होना है, विच जन्नतां दे अजब नजारे होंगे। अल्लाह उत्थे कठिया कर दे, हौली हौली आमीन आंदे। तुहाडा जे कामों की छड़न नू जी नहीं करदा, विच जन्नतां दे अजब नजारे होंगे, ओदी रहमतां दे चल दे फवारे होंगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होंगे, ओदी रहमतां दे चल दे फवारे होंगे। हाय कुर्बान जावां अंदाज किन्ना प्यारा होएगा, शकल दाढ़ी मुछ कोलों बेनियाज होवेगी। इत्थे ते मुसीबत नू पै आना, कदी पुट्ठा उस्तरा ते कदी सीधा उस्तरा, ते मुंडे इंज चेहरा बनांदे ने, बाजार च जाइए ते किसे नू पता ना लगे कुड़ी जान रही है कि मुंडा जान रहा। जनाब मुछां भी साफ ते दाढ़ी भी साफ। और दुआ करो अल्लाह नबी जैसी शकल बनाण दी तौफीक अता फरमा दे। और कल हौज़े कौसर ते जाइए ते कम अज कम मुस्तफा पहचान लैन अपना ही आया, महबूब पहचान लैन अपना ही आया। शकल दाढ़ी मुछ कोलों बेनियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी। 32 सालां दे जवान उत्थे सारे होणगे, 32 सालां दे जवान उत्थे सारे। नबी अली सलाम कोल आई ना बीबी, आके अर्ज कर दिए सोने कि आप बुढ़िया ने भी जन्नत विच जाना। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने बुढ़िया जन्नत विच जाना, बुढ़िया दी छुट्टी, बाबिया जन्नत च कोई नहीं। बीबी परेशान हो गई, आंदी होएगी हुजूर असी कुछ जान के बुढ़े होए आ, भला बुढ़े उन्होंने भी किसी का जी करता है। मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम का फरमान सुन के परेशान हो गई, अखां डुल जईयां पईयां, ते अर्ज कर दिए सोने साडा की कसूर। ते मेरे आका ने तबस्सम तबस्सम फरमाया, आप फरमाते ने एस बीबी नू दसो जन्नत विच बुढ़िया बन के नहीं जाना, बुढ़िया ने भी 40 साल जवान बन के जाना है।
जवानी जनाब ईसा अलैहि सलाम वाले शकल दाढ़ी मुछ कोलो बेनियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी, 32 साल दे जवान उत्थे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, खांदे उत्थे वन ते सवन्ने फल होणगे, खांदे वन ते सवन्ने उत्थे फल होणगे, सोने चांदी दिया इटा दे महल होंगे, सोने नबी अली सलाम ने फरमाया जन्नती एंजा अपने बिस्तर ते पिया ते लेटिया होया ते उच्चा सारा फल दरख दी चोटी ते लगा ते दिल कर आया खानू ते अजे सोचन दिया ते फल दी टहनी झुक के एदे मुंह लागे आ जाएगी। दुआ करो अल्लाह सानू भी नसीब फरमा दे। मैं कुर्बान जावा सदके जावा खान लई उथे खान लई वन ते सवन्ने उथे फल होणगे, सोने चांदी दियां इटां दे महल होणगे, विच अंबर ते कस्तूरी वाले गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं जन्नत दी सैर कर रहा वा, कदमां दी आहट सुनाई दे रही है। मैं पूछया कौन है जिदे कदमां दी आवाज, ते सिया फरिश्ते अर्ज करदे ने सोनियो ए अनस बिन मालक दी मां रुमैसा है। सुभान अल्लाह, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान उस हस्ती तो कुर्बान उस अजीम खातून तो जिन्हों अल्लाह ने मुसलमाना दी औरतां वास्ते आइडियल शख्सियत बना दिता आइडियल। हा और एवें नहीं ए इजाज ए मनसब ते मरतबा एवें मुयसर नहीं आउंदा, बल्कि ओदे वास्ते कुछ करके दिखाना पैंदा है। कुर्बान जावा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हां कोल ना एक छोटी जी दुध देने वाली बकरी सी, दुध चोना ओदा उनू बनाना घ्यो बनाना, खरे कदों दी लगी होएगी ते गल आ जा के मुकदी है जौक ते शौक ते धक्के ना गल दिल उठे ते गल बनती है। ते इन्होंने ना एक बर्तन रखिया सी डब्बा कह लो या उस जबान जो भी उदो है सी, थोड़ा 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 घ्यो जोड़िया बर्तन जिदन भर गया ना ते अपनी रबीबा एक बच्ची नू फरमान लगिया जा ए जा के ना ते नबी अली सलाम नू दे के आ, मैं जरा मसरूफ हाँ। ते ए नबी अली सलाम नू बर्तन दे के आ, बच्ची चली गई, माँ जी आप कमे लग गई हाँ। कुर्बान जावा बच्ची वापस आई ते उम्मे सुलैम ने वेख्या डब्बा बर्तन जिथे मैं छड़ के गई सा उथे ही पिया। पूछा भी तू अल्लाह दे नबी घर घ्यो दे के नहीं आई, मैं दे के आई हाँ। अगर तुहानू नहीं यकीन ते आप जाके नबी अली सलाम को लो पूछ लो। उम्मे सुलैम सोचिया जरा तसली कर लम बच्ची है, हो सकता कोई वादा घाटा हो गया हो कि रुड़ गया हो। उम्मे सुलैम अल्लाह दे नबी दे घर चलिया गई, हजूर मैं तुहाडे वास्ते थोड़ा जिहा घ्यो बना के भेजिया सी, हजूर पहुँच गया। आप फरमाते ने पहुँच गया, सुभान अल्लाह सुभान, हजूर पहुँच गया। आमिना दे लाल अली सलाम फरमा उम्मे सुलैम मैं ते भांडा भी वेला करके तुहाडे अल कर दिता। एक गल होर भी समझ आउंदी, सहाबा नबी अली सलाम नू तोहफे दिया करदे सन। आदत पाओ असी भी एक दूसरे को तोहफे तहफ देने की आदत पाया करो। असी समझने महंगाई बड़ी हो गई है पर फिर भी कुछ ना कुछ जिन्ने जोगे है उन्हें कुछ करना चाहिए, एक दूसरे को तोहफा दिया करो। हजूर मैं बड़ी मेहनत नाल घ्यो जोड़ के तुहाडे वास्ते भेजिया, तो सोच की सी हजूर खाणगे तो साडे लई दुआ फरमाणगे, हजूर खाणगे साडे लई दुआ फरमाणगे। आ फरमाते ने उम्मे सुलैम बर्तन आया सी घ्यो आया सी, मैं बर्तन खाली करके तुहाडे कल भेज दिता। तो पता की आंदे ने हजूर मैं वेख्या वो भांडा तो अगे नालों भी बहुता भरिया पिया घ्यो उत्तों की रुड़न दिया। सुभान अल्लाह,
आमिना दे लाल अलैहि सलाम ने तबस्सम तबस्सम फरमाया। आप फरमाते ने उम्मे सुलैम तुसा सानू खिलाया ते अल्लाह ने तुहानू खिलाया, तुसा साडा ध्यान रखिया अर्श वाले ने तुहाडा ध्यान रखिया। यानी ये आइडियल खातून ऐसी अजीम खातून है कि अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अली सलाम जी दे घर तशरीफ ले आया कर दे। ये वो अजीम खातून है कि जिन्हें अपने निकाह दा महर दुनिया दा माल और दौलत नहीं बनाया बल्कि महर इस्लाम नू बनाया, कुरान सुन्नत बनाया। आज भी अगर साढ़े दिल अंदर इस्लाम दी कुरान दी सुन्नत दी हदीस दी एनी तड़प पैदा हो जाए ओहो ही रौनका ओहो ही बहारा आज भी अल्लाह जल जलाल सानू नसीब फरमा सकते ने। आइए अपने माशरे अंदर अपने घर दी चार दीवारी दे अंदर उस अंदाज दी जिंदगी खुद गुजारिए। अपनिया बेटिया नो अपनिया भैणा नो अपनिया मामा नो इस बात ते अमादा करिए और उन्हें सिखलाइए कि जिंदगी मगरबी तहजीब दियां औरतों वाली जिंदगी नहीं जिंदगी होवे जो नबी पाक दियां अजवाज ने आप अली सलाम दियां सहाबियात ने और नबी अली सलाम दी बनात ने जिस अंदाज ना जिंदगी गुजारी आइए उस अंदाज ना जिंदगी गुजारिए। दुनिया च भी इज्जत मिलेगी और कल कयामत दे दिन अल्लाह दे दरबार अंदर भी इज्जत नसीब होएगी। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू दुनिया आखरत दियां कामयाबियां नसीब फरमाए। सदा